सर पीछे से क्लियर हो जाए इसके आगे में सर। हाँ लेकिन तो बहुत अच्छे यहाँ सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे अभी सर, सर सर सेकंड कैमरा यस कपिल भाई आ गई सर, अच्छी वाली फोटो आई ना सर, जबरदस्त सर। चलो सर, थैंक यू, फोटो प्लीज यहाँ पर सर, चलो फिर। अरे सर जी, हमारे ही सर जी हैं सर, है उनके लिए तो चलता है वेंचर शो। पाजी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पाजी लास्ट कॉर्नर। All right. Bas bas. Thank you. Take it against our backdrop, na? हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर। नहीं नहीं ये backdrop best है, ये backdrop best है। ठीक है यार, तो सब तो पता ही है। सर सर यहाँ, this is this is. Yeah. Please. Yes sir. Bas. Yes sir. सही है, check. अभी ना विदाउट कपिल का, विदाउट कपिल सर, सर सर विदाउट बैकड्रॉप सर, प्लीज सर, लास्ट फ्यू स्टैम्प्स सर, सर प्लीज सर, सर वन फोटो सर विद प्लीज सर। जी कपिल, आज का अच्छे स्वयंवर की अगर बात करें जी, स्वयंवर बहुत अच्छा था, स्वयंवर बहुत अच्छा था, मीका पाजी का और क्रिस गेल का स्वयंवर रखा था हम लोगों ने, पर एज यूजुअल हम लोग कामयाब नहीं हुए। नहीं नहीं इनको कर रहा है, इनफैक्ट आप सभी जानते हैं कि मैं कपिल पाजी का भाई भी हूँ और बहुत बड़ा फैन भी हूँ इनके शो का और इनकी टाइमिंग का, और आज बहुत टाइम बाद मैं मिला हूँ, और बिकॉज मेरा गाना भी आया है, 3-4 गाने आए हैं, तो अगर गाने प्रमोट करने हैं तो बेस्ट शो यू हैव टू गो टू कपिल शर्मा शो। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप मतलब कहते हैं जब सडनली पता चला कि मीका जाने वाले हैं कपिल के शो में, तो थोड़ी सी मतलब नॉटिनेस आ गई कि मीका कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जो हुआ है मतलब नहीं नहीं क्यों नहीं, देखो देखो शो चलते रहते हैं, टीवी शो अलग है, लेकिन हमारा जो अपना रिलेशन है शुरू से वो तो पिछले 10 साल से, मेरा इनका दिलीप भाई से बहुत प्यार है, मेरा इनसे बहुत प्यार है, तो हम एक ही रोड पे, इनका ऑफिस है मेरा ऑफिस है, तो हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। एंड इट्स गुड के दोनों शो चल रहे हैं, बाजी का शो नंबर 1 चल रहा है और मैं इस पे आया हूँ, इससे बड़ी बात क्या। थैंक यू भाई। अच्छा आप दोनों, कपिल भाई हमने देखा कि आपका नया शो, नई गाड़ी, नई घड़ी, नया आपका ऐसा सेलर, कपिल देखेंगे कुछ प्लान है आपका? यार जब तक लोग प्यार करते रहते हैं, बस अपना दिल से काम करते रहते हैं, एक छोटी सी इंटेंशन है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लाएं, बस वो ला रहे हैं, और क्या चाहिए। और ये जो एपिसोड आएगा बहुत ही कमाल का आने वाला, बिकॉज क्रिस गेल ने इतना धमाल मचाई है, कनिका ने इतना अच्छे गाने गाए हैं, मैंने खुद इतना एंजॉय करा है, एंड थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कॉमेडी को वो इतना सीरियस ले लेते हैं किसी मोड पे, किसी कैरेक्टर को लेकर, जी तो आप कैसा अपील, मतलब आप भी एक शो देख रहे हैं कॉमेडी, किस तरीके से अपील आप दोनों करना चाहेंगे कि ये एक कैरेक्टर है, इसको प्लीज सीरियसली ना ले। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों की इंटेंशन सिर्फ इतनी होती कि एक
हम लोग जो भी करते हैं कि आपके चेहरे पे स्माइल ला सकें, और अगर हम लोग कोई कैरेक्टर के साथ हम लोग प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो जस्ट वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होता है, ना कि पूरी कम्युनिटी को। अगर मैं सिद्धू पाजी के साथ अगर कोई मजाक करता हूँ, सो इट डजेंट मीन कि मैं पूरी सिख कम्युनिटी के साथ मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं सुनील के साथ मजाक कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को कुछ कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो लोगों से इतनी अपील हंसती है, दुनिया में वैसे ही बहुत नेगेटिविटी है, तो जितना हो सके मुस्कुराएं, खुश रहें और आसपास वालों को भी खुश रखें, और बस आशीर्वाद चाहिए आप सब लोगों का। बट नर्स के लिए दिखेंगी वो आपके शो में? बताएं। जी जी बिल्कुल दिखेंगी, ऐसी बात नहीं। और मुझे लगा कि किसी को कुछ गलत फहमी हुई होगी, या मे बी कभी कभी ऐसा होता है, पर आई डोंट थिंक सो कि लोग प्यार भी करते हैं, और जिन लोगों ने अगर कुछ विरोध किया होगा तो वो लोग प्यार भी करते हैं, ऑब्वियसली वो शो देखते हैं तो उन्होंने उनको लगा होगा। बट हाँ, मेरा यही कहना है कि हम लोग सिर्फ अपने उस कैरेक्टर के लिए, उसके साथ हम लोग एक शो का हिस्सा है और कॉमेडी कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को हर्ट करें हम लोग जानबूझ के। थैंक यू, थैंक यू। Cheers guys, it's been fun, eh? Good fun. Not like, only just...